रहमतुल्लाहि व वरक आप देख रहे हैं टॉप टेन जे एन एम और मैं हूं गुलाम नबी मदनी दुनिया भर से आज की दस बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं नाज़रीन किराम आज इकतीस मई दो हजार बीस है और आज दिन है इतवार का खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन क्राम अफगानिस्तान से है भारत ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर साजिशें शुरू कर दी हैं तालिबान को बदनाम करने के लिए मोदी ने रॉ के एजेंटों को काबुल के अंदर मुतहर किया है जो तालिबान के खिलाफ हमले कर रहे हैं इतला सामने आ रही हैं काबुल जो दारकूमत है अफगानिस्तान का वहाँ पर एक प्राइवेट टी वी चैनल के सहाफ़ियों पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया गया है जिसका इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया गया इससे पहले ख़वातन के हस्पता पर जनाजों पर हमले हुए जिसमें भारत की रॉ की एजेंसी मुलवस निकली दाइश को फंडिंग करने में सपोर्ट करने में अशरफ गनी और कठपुतली हुक्मरानों के साथ मोदी के जो रॉ के एजेंट हैं उनके हैं वो तालिबान को बदनाम करने के लिए अब सहाफियों पर हमला करवा रही है तालिबान ने इन हमलों की मजम्मत की है और उनसे लातुकी का इजहार किया है और तालिबान ने कहा है कि रॉ के एजेंट भारत के जो अफगानिस्तान के अंदर सरगर्म है दाइश की शक्ल में या किसी और शक्ल में इन दुश्मनों को भरपूर

खबरें हैं प्रोपेगेंडा मुहिम है जो मगरब की जानब से चलाई जा रही है क्योंकि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के अंदर अमन अन्न हकूमत के काबिल हो चुके हैं उनकी गिरफ्तें मजबूत हो चुकी है इसके अलावा काबुल के अंदर नाजिक्राम तालिबान की गिरफ्तें मजबूत होती हुई नजर आ रही है वो कैदी जो तालिबान के अमरीका और अफगानिस्तान की हकूमत नहीं छोड़ना चाहती थी उन कैदियों को तालिबान ने रिहा करवा लिया है और मजीद कैदियों की महा रिहाई का मामला है तकरीबन एक से डेढ़ हफ़्ते में मुकम्मल हो जाएगा जिसके बाद बैन अफगान मुजात शुरू होंगे और तालिबान की अमन अफगानिस्तान पर हकूमत का ऐलान हो जाएगा जो इतलास सामने आ रही हैं कि काबुल की हकूमतें नहा शहरीों पर बमबारी कर रही है पिछले चौबीस घंटे के अंदर पाँच से ज्यादा शहरीों को बच्चों को शहीद किया गया मुख्तलि सूबों के अंदर जबकि तालिबान के सामने सरेंडर करने वालों का सिलसिला भी जारी रहा और बीस से जायद एहलकारों ने जो काबुल

के खिलाफ भारत की साजिशें शुरू हुई मोदी दहशत ने पाकिस्तान को धमकी दी कि कब्जा करेगा भारत हमला करेगा आजाद कश्मीर भी और इससे पहले आपको पता है कश्मीर के अंदर भारत ने पांच अगस्त दो हजार उन्नीस को मुतनाजा जो कानून लाया गया जिसमें आर्टिकल थ्री सेवन जीरो मखसूस है खत्म किया गया पाकिस्तान ने इसका बदला लिया है और गिलगिज बल्तिस्तान जो पाकिस्तान का पांचवा सूबा करार देने के लिए फौरी तौर पर मुहिम शुरू हो चुकी है इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद हैसियत हासिल है और उसको पाँचवें सूबे का स्टेटस तो दिया गया है लेकिन अमला वहाँ पर सूबाई इख्तियारूबाई मामलाते नहीं चलाए गए इतलात सामने आ रही हैं पाकिस्तान भी जिस तरह से कश्मीर के अंदर भारत ने किया इसी तरह से पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पाँचवा सूबा कानूनी और प्रैक्टिकली डिक्लेयर करेगा जिसके बाद वहाँ पर तमाम सूबाई इखियारात मुंतकिल हो जाएंगे भारत आज़ाद कश्मीर और गिलगत बल्तिस्तान को मुतनाज़ इलाका करार देते हैं वहाँ

हुई है ये बताएंगे आपको इतलास सामने आ रही है कि भारत की हकूमत और भारत की फौज मुसलसल परेशान है और अजीत दोवल को और जनरल बिपिन रावत जो भारत के सबक आर्मी चीफ हैं इन दोनों को मास्टर माइंड करार दिया जा रहा है चीन के साथ भारतीय झगड़े में कि दरअसल ये झगड़ा चीन के साथ इन्हीं दो शख्सियात ने शुरू करवाया है लिहाजा भारतीय फौज परेशान है कि इन दोनों से भारत की फौज की जान छुड़ाई जाए इतरा सामने आ रही है कि चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो तहाल बरकरार है और चाइनीज़ फौजें भारत के इलाकों के अंदर घुसी हुई हैं भारतीय फौजी पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हैं और मोदी को मुसलसल ब्रीफिंग दी जा रही है लेकिन मोदी ना तो अपनी कौम को बता रहे हैं और न दुनिया के सामने एतराफ़ कर रहे हैं कि भारत को चाइना

उनके बारे में भी कहा गया और अब तो यह भी कहा जा रहा है भारतीय मीडिया पर कि गर्मी की जो लहर है वो भी पाकिस्तान छोड़ रहा है दुनिया भर के अंदर भारत का मजाक बना हुआ है तमाशा बना हुआ है लेकिन भारत फिर भी अपनी हटदर्मियों से बास नहीं आ रहा है आगे बढ़ लेते हैं कम आज की चौथी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है मकबूजा कश्मीर के अंदर आम कश्मीरियों को भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज मुजाहिदीन करार देकर उनको दहशत गर्द करार देकर गिरफ्तार कर रही है गुज्तर रोज तीन कश्मीरियों को लश्कर तैया से ताल्लुक करार देकर गिरफ्तार किया गया उनसे भारी इसल बरामद करने का भी दावा सामने आया तहम नाजी क्राम इस्लामाबाद जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है वहाँ पर भारतीय फ़ौज ने रात गए मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जिसमें उनको हजीमत का सामना करना पड़ा और दो के करीब भारतीय फौजी जख्मी बताए जाते हैं और इतलास सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर है। पहले से ज़्यादा हालात कशीदा हो चुके हैं और लोगों पर कश्मीर के हवाले से एहत करने मुजाहरे करने पर पाबंदियाँ हैं वहाँ पर इंटरनेट और दीगर सर्विसज़ बंद हैं और मुजाहिदीन के हमलों का भी खौफ है फिर पाकिस्तान से लड़ाई का भी ख़तरा है और चीन के ख़िलाफ़ भी भारतीय फ़ौज को जो पसपाई हो रही है ये सारी चीज़ें मोदी दहशतगर्दी को मोदी दहशतगर्द हुकूमत को तेज़ी से वहाँ पर नए इकदाम की तरफ उकसा रही है जिसमें बड़े पैमाने पर कश्मीरियों की ज़मीन भारतीय फ़ौज को और दीगर हिंदुओं को बेचने और फरोख करने का सिलसिला जारी है आगे बढ़ लेते हैं जी काम जो आज की पांचवी बड़ी खबर है यह गजा फलस्तीन और तुर्की से है क़राम दस साल पहले तुर्की की जानब से एक बाहरी जहाज़ को रवाना किया गया था गजा के मुसलमानों की मदद के लिए जिस पर इसराइल के आसिब फ़ौज ने हमला करके दस के करीब अमले के और दीगर अरकान को शहीद कर दिया था उसके आज दस साल मुकम्मल हुए हैं जिस पर तुर्की के अंदर उनकी याद में आज एक तरह से तकारीब हुई हैं और कहा जाता है इसराइल को तुर्की की जानब से पैगाम दिया गया है कि जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ हैं उनको इसराइल फलस्ती इसराइल जो है फ़लस्तीन में ज़म करने से बाज रहे उसी जानेब नाजी कराम तुर्की की फ़ौजों की शाम के अंदर इराक के अंदर और लीबिया के अंदर कामयाब ऑपरेशन जारी हैं तुर्की ने दो दिन पहले मोहम्मद फातेह और सलमान कानूनी के नाम से जिन जहाज़ों को लॉन्च किया था बाहरी जहाज़ों को वो इसराइल की सरहदों की करीब बड़े पैमाने पर जो तेल और गैस के ख़ायर हैं उनको तलाश करेंगे लेबिया के अंदर भी तुर्क फ़ौजों के ऑपरेशन में खलीफा हफ्तरबागी और इसी तरह से उनकी इतिहादी रूस वगैरह को शिकस्त हुई है एक अरब डॉलर से, से आज की छठी बड़ी खबर है ईरान और यूरोपीय तो जोहरी डील हुई थी उस हवाले से है अमरीका ने मुकम्मल होने वाली जोहरी डील से कर ली है जिस पर यूरोपीय ममालिक तश्वीश का इजहार किया है दो हजार पंद्रह के अंदर बाराक ओबामा के दौर में तकरीबन अमरीका रूस चाइना जर्मनी फ्रांस और बरतानिया वगैरह के मबैन एक जोहरी डील हुई थी जिसमें ईरान को रोका गया था कि वह एटम बम बनाने से बाज रहे लेकिन अमरीकी सदर ने दो हजार अठारह में इस जौहरी डील को खत्म करने का ऐलान किया था और अब मुकम्मल तौर पर अलहदगी अख्तियार कर ली है जिसके बाद खदशा बढ़ रहा है कि अब ईरान एलानिया तौर पर जोहरी हथियार बनाए जिससे खतरा लाभ हो गए हैं दूसरी इतला है की, की वजह से ईरान की मीशत बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है, है, है। अमरीका के अंदर अमरीकी रियासत मिनि के अंदर एक को कतल कर दिया गया था पुलिस की जानव से जिसके बाद अमरीका की बीस के करीब रियासतों में तरों का सिलसिला जारी है है और 50 से ज्यादा बड़े बड़े शहर वहां कर्फ्यू नाफिज है मुजाहन सड़कों पर हैं और अमला को और हकूमती इधारों को पुलिस स्टेशन को उनको आग लगाई जा रही है अमरीका के अंदर इस वक्त बदतरीन फसाद और हंगामे फूटे हुए हैं अमरीकी सदर ने वहां कर्फ्यू नाफज कर दिया है फौज को तलब किया है और मुजाहरीन पर गोलियां चलाने तक का हुक्म दे दिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि अमरीकी सदर इलेक्शन हारेंगे और ये सारे के सारे जो एहताजी मुजाहरे हैं यह अमरीकी सदर के

शख्स ने यह मजार जलाया है वह दरअसल बशार असद की फौज का एक ब्रिगेडियर जनरल है उसने इस मज़ार को जलाया है उसका नाम रमज़ान महमूद बताया जाता है और इससे पहले वो सैकड़ों शामी मुसलमानों ख़ात बच्चों के कत्ल में भी मुलविस रहा है और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि रमज़ान महमूद के साथ जो मलेशियाई हैं ये जंगजू हैं उनमें ज़्यादातर ईरान से आए हुए और इराक़ से आए हुए जंगजू हैं जो वहाँ सुन्नी मुसलमानों का क़त्म कर रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों में इस हवाले से शदीद तश्वीश पाई जाती है और तुर्की की जानब से दो मरतबा ड्रोन हमलों के अंदर यह रमज़ान महमूद बशार का जो फौज का अहलकार है ये बच गया है और बीस मार्च को भी इस पर हमला हुआ जिसमें ज़ख्मी हुआ था और तुर्की ने सैद ना उमर बिन अब्दुलज़ीज़ के मज़ार पर जो हमला किया गया है इसका बदला लेने का भी ऐलान कर रखा है और मुसलमानों ने ईरान से और बशार से और दुनिया भर के ओ वग़ैरह के जो नुमांदा मालिक हैं उनसे मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और जहाँ सैद ना उम्र उमर बिन अब्दुलजीज़ का जस्त नाम मकाम पर मुंतकिल किया गया है उनको वापस उसी मजार के अंदर दफन किया जाए आगे बढ़ लेते हैं तुर्की वगैरह से है इतला सामने आ रही है कि महीनों की बंदिश के बाद मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए खोल दिया गया है आज फजर की नमाज के अंदर बड़े पैमाने पर फलस्तीन के लोगों ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की है जमात के साथ है। इसके अलावा मस्जिद नबी को भी मरहला वार खोला जा रहा है सऊदी अरब के अंदर मसाजिद में पाबंदियों के साथ

दावा किया है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इंटरनेट पर गेम्स खेलने के वीडियो गेम्स खेलने के दीवाने हैं और उन्होंने पिछले तीन साल के अंदर तकरीबन सत्तर हजार डॉलर से जायद गेमें खेलने पर खर्च कर दिए हैं और सात हज़ार से जद घंटे उन्होंने वीडियो गेम्स इंटरनेट पर खेलने में सर्व किए हैं और इससे पहले जब उनके वालद रियास के गवर्नर थे तो उस वक्त इनकी उम्र सत्रह साल थी उस वक्त भी इन्होंने अपने वालद से मार खाई थी वीडियो गेम्स खेलने की वजह से और अब भी सऊदी वली अहद रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो गेम्स खेलते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जो ए, जो उनका सियासी तौर पर उनके अफकार हैं वो किस हद तक

राय है अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज